नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। हार्दिक पांड्या ने चोटों से उबरकर मैदान पर ऐसी वापसी की कि इतिहास लिख दिया। आईपीएल 2022 में धमाकेदार कप्तानी के अलावा उन्होंने गेंद बल्ले से वो प्रदर्शन फिर से कर दिखाया जिसके लिए वो कुछ सालों पहले तक जाने जाते थे। आईपीएल 2022 से पहले तक हार्दिक का करियर एकदम खत्म माना जा रहा था, लेकिन ऐसा मानने वालों की बोलती हार्दिक ने बंद कर दी आईपीएल की ट्रॉफी जीतकर। हार्दिक के खिताब जीतने और इस सीजन किए गए उनके प्रदर्शन के बाद उनके बचपन के कोच ने हार्दिक के करियर के सबसे बुरे दौर की यादें ताजा की। आइए बताते हैं उन्होंने क्या कहा। दरअसल हार्दिक अपने पहले मैच से ही ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे कि एक समय ऐसा भी आ गया जब गाहे बगाहे लोग उनकी तुलना कपिल देव से कर देते थे। यह हार्दिक के करियर का ऐसा समय था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हार्दिक को एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर जाना जाने लगा था। लेकिन हार्दिक के करियर का बुरा दौर शुरू हुआ 2019 में, जब कॉफी विद करण नाम के एक शो पर जाना उनके लिए भारी पड़ गया। हार्दिक ने इस शो में महिलाओं को लेकर कुछ ऐसी बातें कही थी जिस पर भयंकर बवाल मच गया था। बीसीसीआई ने सिर्फ इसी वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम से बीच में ही वापस भारत बुला लिया था और उन पर बैन भी लगा दिया था। इस विवाद के बाद हार्दिक ने अपने बचपन के कोच जितेंद्र सिंह से एक वादा किया था कि इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद अब वो उनके बारे में कुछ भी बुरा या नेगेटिव नहीं सुनेंगे, और हार्दिक ने इस वादे को पूरा भी किया। इस भयंकर हंगामे वाली कॉन्ट्रोवर्सी के बाद से लेकर अब तक हार्दिक ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके लिए उन्हें बेइज्जत होना पड़ा। उल्टा आईपीएल 2022 में ऐसा प्रदर्शन, ऐसी कप्तानी की कि अपनी नई नवेली टीम को खिताब जिता दिया। हार्दिक के बुरे दौर और इस वादे के बारे में बात करते हुए हार्दिक के कोच कहते हैं, कॉफी विद करण शो के दौरान उपजे विवाद से हार्दिक काफी परेशान था। भारत लौटने के बाद वो पूरी रात नहीं सो पाया था, वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था। ऐसे में हार्दिक तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मैंने कमरे में बैठे दूसरे शख्स से कहा था, टेंशन नहीं लेना, तुम दोबारा भारत के लिए खेलोगे, जो हो गया सो हो गया, अब उसे लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कल सुबह रिलायंस स्टेडियम में आओ, मैंने हम दोनों के लिए बैडमिंटन कोर्ट बुक किया है। मैं चाहता था कि वो दोबारा खेल को एंजॉय करे। इसके बाद हार्दिक को एहसास हुआ कि वो खिलाड़ी है, वो यही करने के लिए पैदा हुआ है, चैट शो के लिए नहीं। जितेंद्र आगे कहते हैं कि हार्दिक ने इस विवाद के बाद मुझसे एक बार कहा था, कोच इसके बाद आप मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं सुनोगे। उसने अपना वादा निभाया। आज उसके पिता होते तो उनको भी हार्दिक पर गर्व होता। आज एक बार फिर हार्दिक का करियर बुलंदियों पर है और अब उन्हें टीम इंडिया में सिर्फ सिलेक्ट ही नहीं किया गया बल्कि उनको कप्तानी देने की बातें भी होने लगी। फिलहाल कैसा लगा आपको हार्दिक के जीवन का ये किस्सा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।